आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अलीगढ़ की तहसील गभाना की नगर पंचायत के पिसावा के स्कूल का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें भोजन के समय एक ही थाली में कई छात्र खाना खाते मिले, जबकि भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने बच्चों से एमडीएम और पढ़ाई से संबंधित भी सवाल किए। एसडीएम ने बताया कि मामले में उन्होंने बीएस को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में पत्र भेजा है। साथ ही एसडीएम ने बताया कि एमडीएम को लेकर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर देवरिया से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, युवा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं सभी ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली मिलन की बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों द्वारा दृढ़ संकल्प लिया गया है कि पार्टी को हर ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए और सभी युवा साथी अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें। होली सामाजिक समरसता का एक त्यौहार है, जिसमें छोटे बड़े सभी लोग मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, दूसरे रंग लगाते हैं, दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो होली तो इसे सनातन संस्कृति में समरसता का संदेश अपने आप में है, तो हम लोग सामाजिक समरसता का ही संदेश दे रहे हैं। आज आपकी युवा कार्यकर्ता जुटे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव में बनवीरपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से होली के फगवा गीतों के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया। समारोह में सिंगाही नगर पंचायत चेयरमैन पंडित उत्तम मिश्रा ने टोली के साथ हारमोनियम बजाकर झांझ और मंझीरे की धुन पर जमकर होली की शुभकामनाएं देते हुए फगवा होली गीत गाए। योगी सरकार महिला सुरक्षा के जितने भी दावे करती है, लेकिन जिन कंधों के ऊपर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहीं उन दावों की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में छेड़छाड़ की शिकायत हुई। कंप्यूटर टीचर की शिकायत दर्ज होने के 3 दिन बाद आरोपी को पकड़ने की बजाय पुलिस पीड़िता के घर पहुंचकर पीड़िता के पिता को थाने बुला रही है। बता दें कि मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के प्रताप विहार ब्लॉक का है। प्रताप विहार एच ब्लॉक में रहती हूँ मैं, और मैं अभी पढ़ाकर घर जा रही थी, तो हमारी गली के वहाँ गुल्लू नाम का लड़का है, जिसने मुझे परेशान किया, और उसने कुछ टाइम पहले भी यही हरकत की थी। उस टाइम भी पुलिस प्रशासन ने हम पे दबाव डाल के फैसला करवा दिया था। अब दोबारा उसने यही हरकत की और हमने उसके खिलाफ जब FIR दर्ज कराई, तो पुलिस प्रशासन उन्हीं का साथ दे रही है, उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, और रात हमारे घर पे आके हमारे घर के गेट तोड़ दिए, और मेरे घर पे जबकि कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे कि गेट खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। मैंने उन्हें बताया कोई घर पे नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे घर के गेट तोड़ दिए। इसने घर पर आके बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। हमने पुलिस प्रशासन से जब भी रिपोर्ट करी वहाँ, तो हम पे ही दबाव डाला जा रहा है कि फैसला कर लो, हम पे ही करा जा रहा है कि हाँ पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रही है। उनके घर पे जाने के बावजूद हमारे घर पे आके हमारे गेट तोड़ दिए। मेरी बच्ची और मेरा एक छोटा बच्चा था, मैं तो डॉक्टर के गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मेरी तबीयत ख़राब थी। बच्ची ने कहा कि मेरे पापा नहीं है घर पे, सर मैं गेट नहीं खोल सकती, तो इसलिए बाज नहीं आए, गेट तोड़ दिया, मेरे सारे कुंडे उंडे सब तोड़ दिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहे 35वें हस्तशिल्प मेले में फर्जी आईडी कार्ड बनवाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि, तनुज, शिवम और इंद्रवीर का नाम शामिल है। सभी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी को रिमांड पूरी होने के बाद मेडिकल परीक्षण करवाकर जेल भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेला भर रहा है, मेले में ये 3 की ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी तो पास ये डुप्लीकेट फर्जी बनाया करते हैं, दुकानदारों को प्रोवाइड कराया करते हैं,
जो स्टॉल थी है वहाँ पर उनको स्टॉल वालों को बुलाया, उन स्टॉल वालों से संपर्क करके उनको ये कार्ड बना के नकली दिया। कितने दे चुके थे अब तक ये? ये हमारे नजर में आए हैं अभी 35 के आसपास आए हैं। 35 के आसपास इन्होंने स्टॉल यानी इन्होंने अलॉट कर दिया क्या? नहीं, इन्हें कार्ड बनाए के यूज उनको अंदर मेले में देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो उनसे कुछ दुकानदारों को दिए भी हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं मौके पर जाके किस किस से दुकानदार नाम था पता लिख के। तो जो स्टॉल पे काम करते हैं वो लोग उनको दिए जा रहे थे बना करके? हाँ, स्टॉल वालों को। औरैया में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां जानवरों के लिए चारा लाने के लिए युवक के विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और आर्थिक मदद की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने परिजनों को समझाया और उचित न्याय का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि औरैया अजीत मल कोतवाली के रत्नीपुर का मामला है। घटना घर सुबह आया थे, इधर चार एक गठरी लेने तो किरण लग गया। कई बार तो इसकी क्लैंप है, कई बार लट्ठे एक गड़ गया तो वहीं जो बच्चे के लगा था किरण, तब पर एक गट लट्ठा गड़ गया, फिर दोबारा सुनाई नहीं हुई। जो सब तार नीचे है, हर वक्त घटना होती रहती है, कोई बिजली विभाग वाले कोई एक्शन नहीं लेते। ये लाइट से तार नीचे है, हमने बार भी दो बार कंप्लेन की है कि तार नीचे है, आखिर ऊँचे कर दो या फिर लट्ठा गाड़ दो आके। तो उन्होंने अगली बार इस लड़के को करंट लग गया था, जब आप एक लट्ठा गाड़ दिया था, एक लट्ठा गाड़ के चले गए, बोले हमारा हो गया काम, जितना होना था हमने कर दिया है। उसके बाद भी करंट भी लग गया, एक बार वो भी हो गया, ट्रैक्टर में भी आग लग गई थी, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज लड़का आ रहा, चारा बीन रहे थे, गठरी उठाने के लिए बुलाया, साइड से आ रहा था, आते उसके करंट लग गया और वो चीज़ पे एक्सपायर हो गया। ये संज्ञान में आया है कि भुवनेश कुमार दोहरे खेत के पास के तार से 11,000 का जो है उससे करंट लगने से डेथ हो गई है। तो इसमें सीओ साहब भी आए हैं, पुलिस के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, बिजली विभाग को बताया गया है, वो रिपोर्ट वगैरह सारी बन रही है। इनको जो भी सरकार से दे आर्थिक सहायता है वो मिलेगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसमें किसी के स्तर की लापरवाही आती है तो उसके खिलाफ भी। बदायूं क्षेत्र में बिजली की समस्या से किसानों की खड़ी फसल सूख गई है। फसल की बर्बादी पर किसानों ने बिजली के आला अधिकारियों से वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। परेशान किसानों ने कहा कि लाइट न आने के कारण खड़ी गेहूं की फसल सूख गई और इसी वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ये भी कहा गया कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये पावर हाउस हमारा लापुर का है, ये तार नहीं बदला जा रहा है। जय हिसाब से बोलते हैं हमने एप्लीकेशन दे दिया, तार आया नहीं है, और तार आ भी जाता तो बेच लेते हैं। और मेन बात ये है, हमारी अलापुर फीटर से लेके ग्राम डलवा सहीदा तक लाइट बिल्कुल लू फीसा में आ रही है और टू फेस कर देते हैं चितौरा वाले, अपने इधर चला लेते हैं। समस्या ये, हम पैसे जोड़ के देते हैं, लाइन जुड़ जाती है और दो घंटे में टूट जाती है तार, और इस लोहे का तार पड़ा हुआ अर्थ वाला और चार खम्भों पे, एक खम्भा 100 मीटर लंबाई पे है, 400 मीटर लंबाई है। अब इसका समाधान ये है कि हमारे लिए सिल्वर का तार मिलना चाहिए। खबर कानपुर से है, जहां दो समुदायों के लोगों के बीच किसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों की तरफ से शिकायत करने पर भी चकेरी इंस्पेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करने के बजाय मामले में शांति बनाए रखने की सलाह दे डाली। तो वहीं बढ़ते विवाद के बीच अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं आला अधिकारी ने चकेरी इंस्पेक्टर पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है और अब इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। अरे सर, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बहुत काफी लोग हैं, घर के दबकर आए बाबाजी, गेत्री नगर। किस नगर में? गेत्री नगर में सर, गेत्री नगर सनुआ चौक। गेत्री नगर? जी, गेत्री नगर सनुआ चौक में लगता सर, गुरु हराय स्कूल के पीछे। क्या हो गया? क्या हो गया? गुरु हराय स्कूल के पीछे सर। क्या हो गया? अरे सर, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत काफी लोग हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि दूसरे लोग? नहीं नहीं सर, मैं भी नहीं, वो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप कौन लोग हैं? जी सर, मैं मुस्लिम हूँ सर। ठीक है, जाके घर में सो जाइए, चलिए घर में सो जाइए, जाके आराम करिए, आराम करिए, कोई समस्या हो तो आगे मुकदमा लिखाइए। सर आइए।
देखिए सोशल मीडिया पर इंस्पेक्टर चकेरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में ये पाया गया है कि ऑडियो 18 मार्च का है। इसमें इस ऑडियो को संज्ञान में ले लिया गया है और इस पर एक जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो भी इससे निष्कर्ष होगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी और उससे आपको अवगत कराया जाएगा। बहराइच के अंतर्गत नानपारा में चावल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ओवर ब्रिज पर पार करते समय नेपाल जा रहा ट्रक आग की चपेट में आ गया। वहीं आग की लपटों से ड्राइवर और कंडक्टर की किसी तरह से जान बच पाई है। सूचना के बाद मौके पर दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। हत्या के मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन अभियुक्तों ने रंजिश में हुए विवाद सहित कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस अब पूछताछ कर रही है और अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले से एस्टेब्लिश रंजिश है और घटना से दो दिन पहले इसके द्वारा प्रेम और दो अभियुक्तों द्वारा उनको धमकी दी गई थी कि जिस तरह इंद्रपति को हम निर्वंश कर दिए हैं उसी तरह तुम्हें भी कर देंगे। और घटना की सुबह भी घर के पास से तीनों को गुजरते हुए स्वयंवादी ने देखा था। इस प्रकार इस पूरी घटना में जो है इन तीनों अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो एक बात निकल गया है कि वो इस तरह जहरीला पदार्थ खिलाता रहा है, वो जहर ले कहां से आता था और इसको सप्लाई कौन देता था? अब इन सारे बिंदुओं पे छानबीन की जा रही है। जो गांव में जो पूछताछ की गई है उससे भी इसकी जो आम सूरत है वो ठीक नहीं बताई गई है कि इस तरह से वो जो है जंतुओं को भी जहर वगैरह दे के जो है मारने का आदि बताया जा रहा है। तो सारे पहलुओं पे गहन छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।